गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम आकांक्षा, योर मैथ्स टीचर. बेटा, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे. इसमें मैं आज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करा रही हूँ कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसमें क्या फॉर्मूलाज हैं, इसकी कैसे प्रोसेसिंग होगी. ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, निर्देशांक ज्यामिति इसको हिंदी में कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति. आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था. एक पेपर पर हमने एक्स एक्सिस बनाया था और वाई एक्सिस बनाया था, उसके अंदर चार क्वाड्रेंट्स थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ. ठीक है, तो इसमें पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक्स एक्सिस पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ वाई एक्सिस पर चलते हैं. तो यहाँ पॉइंट्स को हम सपोज़ दो पॉइंट एक्स पर हैं तो उनको एक्स वन एक्स टू कहेंगे, और दो पॉइंट वाई पर हैं तो उनको वाई वन वाई टू कहेंगे. तो देखिए, सबसे पहले जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी. यानी मैं आपको देखो बना के दिखाती हूँ कैसे. ये है एक बिंदु हमारा यहाँ पर है. ठीक है, इसके दो क्वाड्रेंट, दो पॉइंट होते हैं, यानी एक्स से सपोज़ ये चार चला और वाई पर ये तीन चला, तो क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट 3 4 3, एक हो गया सपोज़ यहाँ है. ठीक है, यहाँ माना -2 -1 है, आपको पता है ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में दोनों माइनस में होते हैं. तो इस बिंदु से इस बिंदु तक की हमें दूरी निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी. ये फॉर्मूला बहुत आएगा एक्सरसाइज में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करना. तो ये जो होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं x2 - x1. तो देखो x2 कौन सा है, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2. तो सबसे पहले घटाएंगे x2 में से x1 को, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर घटाएंगे y2 - y1, इस y2 से इस y1 को घटाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे और पूरे का अंडर रूट ले लेंगे. ये तो जस्ट मैंने आपको बताया है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे हम उसको यूज़ करते हैं फॉर्मूले को. ठीक है, तो ये आपको नहीं बनाना ग्राफ, ये मैंने जस्ट आपको सिखाने के लिए बता दिया कि इस तरह से दो बिंदु दिए होंगे, उनके बीच की दूरी हम कैसे निकालते हैं, और x1 y1 x2 y2 बेसिकली होता क्या है. आई होप ये समझ गए होंगे आप. तो आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, कौन सा, ये वाला, d = x2 - x1 का स्क्वायर, और प्लस लगाएंगे बीच में y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. फिर इसमें सेकंड पॉइंट आता है सनरेख बिंदु. सनरेख बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर पॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, ऐसे तीन बिंदु जो एक रेखा में हो, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सनरेख, एक ही रेखा में, समान रेखा में. देखो ये ABC, ये तीनों आ रहे हैं ना, कॉलिनियर हैं तीनों, एक रेखा में आ रहे हैं. अगर मैं आपसे बोलूँ दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, क्या ये कॉलिनियर है? नहीं, कभी भी हम एक रेखा में नहीं ले सकते इनको. देखो, या तो ये दो आएंगे, या दो आएंगे, या ये दो आएंगे, कभी भी तीनों नहीं आएंगे. ठीक है, तो समझ के, संरेख कैसे होते हैं, ऐसे वाले बिंदु जो एक रेखा में हो. तो अब आता है आगे नेक्स्ट पॉइंट, तीन बिंदु संरेख होने का प्रतिबंध क्या होता है, यानी वो कौन सी कंडीशन है जिसमें तीनों बिंदु संरेख हों. तो उसके लिए देखो तीन कंडीशन है. फर्स्ट वाली है AB + BC का जोड़ बराबर हो AC के. देखो ये AB है, इस AB और प्लस BC, यानी इन दोनों को प्लस कर दें हम तो ये AC पूरी रेखा के बराबर आना चाहिए. ठीक है, तो जब ऐसे आ जाएगा तो ऑब्वियसली कोलिनियर पॉइंट्स होंगे. सेकेंड है AC + BC = AB, ये ऐसा बिंदु है जिसमें सी बीच में आ रहा हो, ACB आ रहा हो. ठीक है, जब रेखा में ACB आ रहा हो तब ये वाली कंडीशन लगाएंगे, और जिसमें क्या बीच में आ रहा हो, B बीच में आ रहा हो, तब ये वाली कंडीशन लगाएंगे. सॉरी, A बीच में आ रहा हो, BC कोने पे आ रहे हो. आप बस याद रखेंगे कि दोनों टुकड़ों का टोटल पूरी लाइन के बराबर होना चाहिए, तो रेखा, तो बिंदु हमारे संरेख होते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ. अगला फॉर्मूला है, देखो बेटा, रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजन करना. कोई रेखाखंड है, उसका दो तरह से विभाजन होता है, आंतरिक और बाह्य विभाजन. यानी एक रेखाखंड को हम किस तरह से बांटते हैं, दो, ये एक रेखा है, इसको आंतरिक विभाजन, और किसी भी रेखा का बाह्य विभाजन कैसे होगा, सपोज़ ये रेखा है और
इसका इस तरह से बाह्य बाहर से विभाजन करें ऐसे, ठीक है, तो वो होता है बाह्य विभाजन। तो इसके लिए फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है वो है m1x2 + m2x1 / m1 + m2 कोमा, ये एक बिंदु आएगा इससे, कोमा है, ये तो x के लिए है और ये y के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा m1y2 + m2y1 / m1 + m2। और बाह्य विभाजन में भी सेम है फॉर्मूला, बस बीच में माइनस, आप याद रखना, कंफ्यूज बहुत होते हैं इसमें कि अंत में प्लस आता है बाह्य में आता है, तो याद रखिए इंटरनल वाले डिवीजन में आंतरिक वाले में प्लस आता है और बाह्य वाले में माइनस आता है, बाकी सेम है। इसमें ये x के लिए मान है और ये y के लिए, m1x2 - m2x1 / m1 - m2। इसी तरह से y के लिए हो जाएगा m1y2 - m2y1 / m1 - m2। अब है रेखा का मध्य बिंदु निकालना, ये कोई रेखा दे दी गई है, इसमें यहाँ कुछ बिंदु दे दिए, दो बिंदु यहाँ होंगे एक्स वाई, एक और दो बिंदु यहाँ होंगे एक्स वाई, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन वाई वन, यहाँ होंगे एक्स टू वाई टू, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं ये बिंदु आपको, और हमें इसका मध्य बिंदु निकालना है, बिल्कुल कैसे फाइंड करें, तो देखो कैसे करते हैं, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, दोनों को जोड़ो, दो से भाग कर दो, उधर भी वाई वाले दोनों को जोड़ो, दो से भाग कर दो, तो रेखा के मध्य बिंदु आ जाते हैं। ये भी फॉर्मूला है बेटा, ये भी आपको लर्न करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। नेक्स्ट है त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक होता है सेंट्रॉइड, जो ये ट्राइंगल बना है इसका बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा, दिस इज़ कॉल्ड केंद्रक या सेंट्रॉइड। तो यहाँ जब त्रिभुज है तो ऑब्वियसली तीन कोने हैं, तो तीन साइड हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर होगा x1y1, यहाँ पर होगा x2y2 और यहाँ पर होगा x3y3, ठीक है। तो इसका केंद्रक कैसे निकालेंगे, पहले x1 को जोड़ा, फिर x2, फिर x3 को जोड़ा, तीन से भाग कर दिया, मध्य बिंदु में दो पॉइंट जोड़े थे, दो से भाग किया था, केंद्रक में तीनों को जोड़ेंगे, तीन से भाग करेंगे, फिर y के लिए यहाँ भी तो अंदर दो आएंगे ना, x और y दो आते हैं, तो x का मान निकालते हैं, इन तीनों को जोड़ के तीन से भाग कर दो, y का मान निकालेंगे y1 + y2 + y3 / 3। अब देख लो फॉर्मूला, ये रहा x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। अब है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाली, ये तो हमने त्रिभुज का केंद्रक निकाला, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता ही है जो हम सिंपली जो निकालते हैं वो 1/2 आधार गुना ऊंचाई से भी निकालते हैं, ठीक है, एक एस वाला फॉर्मूला लगा के भी निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो और एक कौन से तरीके से निकालते हैं, एक निकालते हैं जब समबाहु त्रिभुज होता है तब √3/4 गुना भुजा का वर्ग, ठीक है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये तीन तरीके होते हैं। लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में हम कैसे निकालते हैं, जिसमें निर्देशांक का मतलब होता है जिसमें निर्देशांक दिए जाते हैं, ये x1 y1 ये निर्देशांक ही तो होते हैं, तो देखो इसमें ये वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/2 (x1)(y2 - y3) + x2(y3 - y1) + x3(y1 - y2)(big bracket close). ये देखो बेटा, इसको याद करने का तरीका है, सबसे पहले आप x1 x2 x3 बाहर रखो, ठीक है, अंदर जब यहाँ 1 है, 1 के बाद क्या आता है 2 3, y2 - y3, फिर यहाँ 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3 3 1 1 2 3, ठीक है, ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है 1 2 3 2 3 1 & 3 1 2। जब यहाँ x3 है, 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद 2, यानी x1 x2 x3 बाहर है और y वाला जो है वो ब्रैकेट के अंदर है, y वाला हिस्सा। तो आई होप ये सबको लर्न हो गया होगा फॉर्मूला। अब आते हैं चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर। चतुर्भुज आपको पता है जिसमें चार साइड्स होती हैं, चार साइड्स होंगी तो निर्देशांक भी कितने होंगे, चार होंगे, यहाँ x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3 और यहाँ x4 y4, ठीक है। तो अब देखो जब चार निर्देशांक है तो हम कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ये देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले तो xx वाले पहले आएंगे, x1 y2, इसमें भी देखो x वाला पहले वाले ब्रैकेट में, तो x पहले y बाद में, दूसरे वाले ब्रैकेट में y पहले x बाद में,
तो ये भी याद करने में सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। कैसे, पहले x1, 1 के बाद आता है 2y2, फिर प्लस x2, देखो पहले x वाले लिख लो, x1, x2, x3, x4, ठीक है, फिर y वाले, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, y2, y3, y4, y1, क्लियर। अब ये जो 1 अपॉन 2 है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट में है सिर्फ, सेकेंड वाले ब्रैकेट में 1 अपॉन 2 नहीं है। तो इसमें पहले हमने y लिखेंगे, y1, y2, y3, y4, उसके बाद 1 के बाद क्या आता है, 2, तो x2, x3, x4 और x1। ये फॉर्मूला हुआ चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। आज की जो आपकी वीडियो है, हम इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करा रहे हैं, यानी फॉर्मूलेज ही हम कराएंगे। तो बेटा एक्सरसाइज़ को शुरू करने से पहले आपको ये 7-8 फॉर्मूले हैं ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज़ को समझ पाएंगे। अदरवाइज़ तो आपको एक्सरसाइज समझने में प्रॉब्लम होगी, फिर आप घूम जाओगे उसमें कि कहाँ से आ गया x1, कहाँ से आ गया x2, क्या कोलिनियर है, क्या मध्य बिंदु है और क्या अंत्य विभाजन, क्या बाह्य विभाजन। अगर आप ये सब लर्न कर लोगे तो आप एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हो और आपको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगी, करने में मज़ा भी आएगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। तो आज का आपका ये टास्क है कि सारे फॉर्मूले लर्न करें, मैं आपसे क्लास में फॉर्मूले पूछूंगी, देन मैं एक्सरसाइज की तरफ चलूंगी। ओके बेटा, मैं क्लास को एंड करती हूँ, टेक केयर गर्ल्स।